नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक मजेदार वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग एंगल सेंसर और ईपीएस सिस्टम के बारे में। ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर क्या है, ये गाड़ियों में क्यों दिया जाता है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसके बारे में ही आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले नॉर्मली क्या होता था, गाड़ियों में नॉर्मल स्टीयरिंग आता था जिससे हमें गाड़ी को लेफ्ट या राइट टर्न करने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता था, काफ़ी ताकत लगानी पड़ती थी, जिससे हमें काफ़ी थकान भी महसूस होने लगती थी। तो इससे निजात पाने के लिए फिर उसमें पावर स्टीयरिंग आने लगा, और पावर स्टीयरिंग दो तरह से आने लगा, एक तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम और एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक की बात कभी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। हाइड्रोलिक में क्या है कि ये हाइड्रोलिक ऑयल की प्रेशर पर काम करता है, जिसमें एक पंप लगी रहती है जो सीधी कनेक्ट होती है हमारे इंजन से। जब हमारा इंजन ऑन होता है तो वो निरंतर उसके साथ साथ चलती रहती है और प्रेशर बनाती रहती है, हाइड्रोलिक प्रेशर, और उसके प्रेशर से हमारा पावर स्टीयरिंग चलता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगी रहती है जो ऑटोमेटिक काम करती है, यानी उसमें सेंसर्स वगैरह भी दिए गए होते हैं जो जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब वो चलती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है, और स्टीयरिंग व्हील के बाद कॉलम है, और कॉलम के नीचे ये लगा होता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। अब स्टीयरिंग एंगल सेंसर का क्या काम है? स्टीयरिंग एंगल सेंसर जैसे नाम से ही जाना जाता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर यानी स्टीयरिंग का जो एंगल है उसको सेंस करता है और उसको एक जगह स्टेबल करता है, यानी उसका जो सेंटर है स्टीयरिंग का, इसको स्टीयरिंग के एंगल को वो स्टेबल रखता है और उसको रीड करता है। जो हमारा जुड़ा होता है सीधा ईसीयू से, उसके बाद एक स्पीड सेंसर भी होता है गाड़ियों में, जो वो भी जुड़ा होता है ईसीयू से। ईसीयू क्या है? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट, यानी जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल फंक्शन है गाड़ी में उसको ये कंट्रोल करता है। ये गाड़ी का एक दिमाग भी कहा जाता है। उसके बाद एक टॉर्क सेंसर होता है, इसका काम है टॉर्क को रीड करना। जो हमारे स्टीयरिंग पर टॉर्क लग रहा है, जब हम गाड़ी को लेफ्ट या राइट टर्न करने में जो टॉर्क लगाते हैं, उस पर जो ताकत लगाते हैं, उस ताकत को वो रीड करता है और सीधा देता है ईसीयू को। उसके बाद होता है गियर बॉक्स, और उसमें लगा होता है इलेक्ट्रिकल मोटर। जब हमारा गाड़ी कितनी स्पीड में है और तो गाड़ी को लेफ्ट या राइट टर्न करना है तो ये रीड करके ईसीयू को देगा। उसमें टर्न करने में कितनी ताकत लगी है उसको वो रीड करके ईसीयू को देगा। अब ईसीयू कंट्रोल करेगा मोटर को कि मोटर कब चलानी है, कितनी स्पीड है गाड़ी की, कितना टॉर्क लगा है और कितने उससे चलानी है। तो जब ये हमारी ये मोटर चलेगी, जब ये कंट्रोल इसको देगा और ये पावर देगा हमारी स्टीयरिंग को, और स्टीयरिंग हमारा इससे स्मूथ चलेगा। तो ये तो हो गया इसका कार्य विधि, ये कैसे काम करता है। अब गाड़ियों में इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? देखिए, फायदा तो ये होता है कि ये हमारा एक तो स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, इजीली घूमता है। एक उंगली से आप पूरी स्टीयरिंग को घुमा दीजिए, आराम से घूम जाता है। जबकि नॉर्मल स्टीयरिंग में क्या है, काफ़ी सारी ताकत लगानी पड़ती है। लेफ्ट या राइट टर्न करने में हमें काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें स्टीयरिंग के जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग का सेंटर ढूंढते हैं, भाई गाड़ी सीधी चल रही है, कहाँ हमारा स्टीयरिंग है, उसको सीधा करना है,
लेफ्ट करना है, कभी राइट करना है, तो ये काम सब ये खत्म करता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। ये स्टीयरिंग का जो सेंटर पॉइंट है उसको पकड़ के रखता है। आप लेफ्ट या राइट में कहीं भी टर्न कर दीजिए, उसके बाद वहीं वापस खींच के लाएगा स्टीयरिंग एंगल सेंसर अपने सेंटर में और आपकी गाड़ी को सीधे चलने देगा। अब इससे नुकसान क्या है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, फ़ायदा तो बहुत है, अच्छा हमारा गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है और स्टीयरिंग बहुत काफ़ी स्मूथ होता है, लेकिन जिससे इतने सारे फायदे होते हैं उससे कई बार नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं। और नुकसान क्या है कि जो हमारा ये सिस्टम है इसमें कोई भी अगर काम करना बंद कर देगा तो हमारा ये सही तरह से काम नहीं करेगा, जिससे हमें गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम रहेगी। अब ज़्यादातर जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि जो हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो स्टीयरिंग का जो सेंटर है उसको रीड करता है एंगल को और उसको सेंटर में पकड़ के रखता है। अब मान लीजिए ये स्टीयरिंग का सेंटर है और यहाँ पे हमने फिट कर दिया स्टीयरिंग एंगल सेंसर, अगर इसका सेंटर आउट हो गया, ये यहाँ पे आ गया, पहुँच गया, किसी वजह से गाड़ी कहीं लग गई या गाड़ी कहीं हिट हो गई या इसका कैलिब्रेशन आउट हो गया, क्योंकि इसको उनको सारे सिस्टम को कैलिब्रेट किया जाता है स्कैनर से, स्कैनर से कैलिब्रेट होते हैं, तो इसका कैलिब्रेशन आउट हो गया, इसका सेंटर पहुँच गया यहाँ पर, तो हमारे जो व्हील हैं वो सीधे हैं यहाँ पर और इसका सेंटर है यहाँ, तो ये बार बार इस स्टीयरिंग व्हील को यहाँ खींचता रहेगा अपनी तरफ, जिससे हमारे जो व्हील हैं वो आउट हो जाएंगे और हमारी गाड़ी में पुलिंग बन जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो आउट हो गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, लेकिन ये वहीं पर है, सही है, कैलिब्रेट है, तो हमारा जो स्टीयरिंग यहाँ पर हमारी गाड़ी सीधी चलती है और ये क्या करेगा, इसको सेंटर को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे लाना है उसे, इसका ये काम है, तो ये बार बार इसको यहाँ जैसे ही लाएगा तुम्हारे व्हील तिरछे हो जाएंगे और तिरछे होने पर गाड़ी में पुलिंग बन जाएगी, यानी गाड़ी में पुलिंग की समस्या इससे ज़्यादा आ जाती है, या फिर कई बार कोई सेंसर काम नहीं कर रहा होता है, कोई मोटर काम नहीं कर रहा होता है, तो हमारा स्टीयरिंग जाम भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, तो ये इससे नुकसान है। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम वाली गाड़ियां हैं उनमें ये स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की दिक्कत आती है और ये दिक्कत मैं काफ़ी वीडियो में आपको दिखा भी चुका हूँ कि इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम है या स्टीयरिंग के जो हमारा सेंटर है उसकी प्रॉब्लम है, इससे अलाइनमेंट की ज़रूरत है, उससे ये सही होगा या स्टीयरिंग कैलिब्रेशन से सही होगा। तो ये सारा सिस्टम था जो मैंने इसके बारे में आज आपको जानकारी दी। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके बारे में और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके एक बार ज़रूर भेजें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।